नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रहनो सूरज एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आज की क्लास लेके। दोस्तों अपन बात कर रहे थे रीजनिंग के बारे में, और रीजनिंग के अंदर अपन ने जो पिछला जो चैप्टर कवर किया है वो कवर किया है अपन ने आपका पिछला चैप्टर, बताइए क्या कवर किया है। पिछला चैप्टर अपन कवर कर चुके हैं, उसका नाम था अपन ने कवर किया था। आज कवर करने वाले हैं दोस्तों एक नया चैप्टर। आज का जो चैप्टर रहने वाला है अपना, वो रहने वाला है प्रॉपर ऑर्डर एंड ग्रुप्ड। हर एक एग्ज़ाम के अंदर इस चैप्टर से अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो दोस्तों कल वाली क्लास आप आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपने देख ली भी होगी। अगर आपने अभी तक कल वाली क्लास को विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ आप कल वाली क्लास को सबसे पहले विजिट किए। उसके बाद अगर आप कर रहे हैं मेरे साथ तैयारी और अपनी तैयारी को बढ़ाना चाहते हैं और मजबूत और बेहतरीन, तो सबसे पहले आपको उसके लिए करना क्या होगा साथियों, सबसे पहले आपको उसके लिए डीजे सर क्लासेस कोटा ऐप को इंस्टॉल करके वहां से आपको स्टोर पे जाके टेस्ट वन सब्सक्राइब करना होगा। टेस्ट वन सब्सक्राइब करने से होगा क्या, टेस्ट वन सब्सक्राइब करने से आपकी तैयारी और मजबूत बनेगी और बेहतरीन बनेगी। तो ये तो क्लास की रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास। आज की क्लास शुरुआत करने से पहले क्लास की शुरुआत कैसे करते हैं अपन, एक मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट क्या रहने वाला है, दोस्तों आपको किसी की सलाह से रास्ते तो मिल जाते हैं, आपको किसी की सलाह से रास्ते तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको आपकी मंजिल आपकी मेहनत से मिलती है। तो आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट है साथियों, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, चिड़िया बोली उड़ान भरनी होती है बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट, आया आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास रहने वाली है अपनी प्रॉपर ऑर्डर एंड ग्रुप्ड से। ग्रुप्ड यानी कि समूहन, ये दोनों चैप्टर आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आज की जो क्लास रहने वाली अपनी प्रॉपर ऑर्डर को हिंदी में बोला जाता है सार्थक क्रम इसको बोला जाता है। आज की क्लास रहेगी अपनी सार्थक क्रम एवं समूहन। आज की क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या रहने वाला है अपना, सार्थक क्रम और समूहन, प्रॉपर ऑर्डर एंड ग्रुप्ड। देखिए दोस्तों इससे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं अपने पास। क्वेश्चन जो इसके पूछने का तरीका है क्या रहने वाला है, आपने देखा होगा अधिकतर एग्जाम के अंदर आपको चार या पांच शब्द ऐसे दिए जाते हैं जो रैंडमली दिए जाते हैं, उन शब्दों को आपको क्या करना होता है, एक प्रॉपर वे में अरेंज करना होता है। इसको जंबलिंग भी बोला जाता है दोस्तों, इस चैप्टर को आप जंबलिंग भी बोल सकते हैं, सार्थक क्रम को प्रॉपर ऑर्डर भी इसको बोला जाता है। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन सही समझते हैं, क्वेश्चन सही समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो क्या है आपका, आपको कुछ चार पांच शब्द दे दिए जाते हैं, जैसा कि आपको दिया गया है पौधा खाद्य बीज, आपको दिया गया है पौधा खाद्य बीज पत्ती और ये है आपका जड़। ये चार पांच शब्द आपको दिए गए साथियों, इन पांच शब्दों को आपको क्या करना है, प्रॉपर ऑर्डर में दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में जमाइए, ऐसा आपसे क्वेश्चन किया जाता है। तो आइए इन शब्दों को आपको क्या करना है, सार्थक क्रम में जमाना है। तो पौधा खाद्य बीज पत्ती और जड़, खाद आपका दिया गया है, खाद आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको खाद्य दी, ये खाद है दोस्तों, क्या है खाद, खाद्य यानी खाद। तो सबसे पहले आप कौन सी प्रोसेस करेंगे इसके अंदर, प्रोसेस कौन सी करेंगे, सबसे पहले आप प्रोसेस करेंगे इसके अंदर बीज, क्या प्रोसेस करेंगे दोस्तों, बीज
सबसे पहले आप करेंगे बीज, तो बीज का क्रम तीसरा होगा। बीज के बाद आप क्या करेंगे, खाद डालेंगे उसमें, क्या डालेंगे खाद। फिर उसके बाद क्या निकलेगा, जड़ निकलेगा, पांचवे का क्रम होगा। फिर उसके बाद क्या निकलेगा अपना बताओ, पौधा, सबसे पहले पौधा थोड़ी बनेगा, पत्ती बनेगी, क्या बनेगी पत्ती, फोर्थ। फिर होगा अपना एक, तो इन दिए गए शब्दों का जो प्रॉपर ऑर्डर रहने वाला है अपना क्या रहने वाला है, 3 2 5 4 1, ऐसे क्वेश्चन आपसे अधिकतर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, बालक व्यवसाय शिशु, बालक व्यवसाय शिशु विवाह और शिक्षा। देखो इन दिए गए पांचों शब्दों को आपको क्या करना है, इन दिए गए पांचों शब्दों को आपको क्या करना है, जमाना है, जमाना है। तो कैसे जमाएंगे, सबसे पहले आप क्या रखेंगे, देखिए सबसे पहले आपका आएगा शिशु, कौन सा आएगा शिशु। शिशु के बाद आप क्या करेंगे, शिशु है तो बालक भी बनेगा, बिल्कुल बालक भी बनेगा। बालक के बाद क्या होगा, उसकी शिक्षा की जाएगी, बिल्कुल शिक्षा की जाएगी। शिक्षा के बाद क्या होगा, व्यवसाय, इसको क्या करना पड़ेगा, व्यवसाय करना पड़ेगा, पहले शादी होगी, व्यवसाय करना पड़ेगा, फिर उसका क्या होगा, विवाह होगा। जब भी शादी होती है तो ऐसे थोड़ी शादी हो जाती है, कुछ ना कुछ उसका काम धंधा जरूर देखा जाता है। तो सबसे पहले शिशु, बालक, फिर उसका पांचवे पे क्या है, शिक्षा है, फिर दूसरे पे व्यवसाय है, फिर फोर्थ पे क्या है, अपना विवाह है। तो दिए गए शब्दों को आप इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं साथियों। तो ये तरीके हैं क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछे जाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अपन पढ़ रहे हैं सार्थक क्रम। सार्थक क्रम पहले पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद समूहन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, शब्द पैराग्राफ, शब्द है, पैराग्राफ है, वाक्य है और अक्षर है। इनको आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है साथियों। तो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका अक्षर। अक्षर एक लेटर, लेटर से मिलके क्या बनता है आपका, शब्द बनता है। शब्द से मिलकर क्या बनता है आपका, वाक्य बनता है। और वाक्य से मिलकर क्या बनता है आपका, पूरा पैराग्राफ बन जाता है। तो दिए गए शब्दों का प्रॉपर ऑर्डर जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, सबसे पहले अक्षर होगा, फिर बाद में आपका होगा शब्द, शब्द के बाद होगा आपका वाक्य, वाक्य के बाद होगा आपका पैराग्राफ। तो दिए गए शब्दों का जो प्रॉपर ऑर्डर होगा वो अपना ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकान, सड़क, कमरा, तीन शब्द क्या है दोस्तों, मकान, सड़क, कमरा, कस्बा और जिला, कस्बा और पांचवे पे है जिला। इन दिए गए चारों पांचों शब्दों को आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। मकान है, सड़क है, कमरा है, फिर कस्बा है, फिर जिला है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे आप, मकान से निकल जाएंगे कि कमरे से निकलेंगे। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, घूमने जाना है, तो सबसे पहले आप कहाँ से बाहर निकलेंगे, मकान से या कमरे से। सबसे पहले आप बाहर निकलेंगे कमरे से। तो कमरे से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहली क्रिया कौन सी होगी, कमरे से बाहर निकलोगे, फिर क्या होगा, मकान से बाहर निकलोगे, एक,
फिर क्या है, मकान से बाहर निकल के आप सड़क पे आएंगे, बिल्कुल सड़क पे आएंगे, सड़क पर आने के बाद फिर आप कस्बे से बाहर निकलेंगे, फिर कस्बे के बाद फिर जिला होता है अपना। तो ये हो गया इनका ऑर्डर 3, 1, 2, 4, 5, ये इन दिए गए शब्दों का एक प्रॉपर ऑर्डर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंतव्य पहला, दूसरा है यात्रा, तीसरा है टिकट, चौथा है अपना योजना और चढ़ना। चलो चार ही रहने दीजिए। ये शब्द आपको दिए गए हैं साथियों, इन दिए गए शब्दों को आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में या एक तरीके से इनको अरेंज करना है। देखो कैसे अरेंज करेंगे इनको, इनको अरेंज करने के लिए आपको देखो सबसे पहले तो आप खुद सेल्फ को लीजिए, अपने माइंड के अंदर ये ऐसी थिंकिंग आप डेवलप कीजिए साथियों कि दिए गए क्वेश्चन को आप एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर सकें। यहाँ गंतव्य है, यात्रा है, टिकट है, योजना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में कौन सी थिंकिंग आएगी? अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपकी प्लानिंग बनेगी। जी हाँ, आपकी प्लानिंग बनेगी, सबसे पहले तो क्या बनेगी, प्लानिंग। फिर प्लानिंग के बाद आप क्या करेंगे, टिकट खरीदेंगे, बिल्कुल टिकट खरीदेंगे। टिकट के बाद आप क्या करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, बिल्कुल ट्रैवलिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गंतव्य, जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंच पाएंगे। गंतव्य का मतलब ये होता है जहां आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उसका नंबर क्या होगा, सबसे लास्ट में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। देखो क्या होगा, ये पांच शब्द हैं, इन पांचों शब्दों को आपको अरेंज करना है साथियों। तो सबसे पहले इन पांचों में से क्या होगा, बताओ क्या होगा। सबसे पहले तो बीमार, बीमार सबसे पहले शब्द आएगा, बीमार। उसके बाद क्या होगा, चिकित्सक, चिकित्सक के बाद क्या होगा, इलाज, इलाज के बाद निदान, और निदान के बाद स्वास्थ्य लाभ। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे आप, बीमार, बीमार के बाद चिकित्सक, चिकित्सक के बाद क्या करेगा, इलाज करेगा, इलाज के बाद निदान और स्वास्थ्य लाभ। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा अपना, ये ऑर्डर रहने वाला है 3, 2, 4, 1, 5। ये दिए गए शब्दों का क्या रहेगा दोस्तों, एक ऑर्डर रहने वाला है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसमें प्रॉपर ऑर्डर में। पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है नींव,
छत, कमरा, नींव, छत, कमरा, दीवार और दीवार के बाद देख लीजिए सड़क। ये पांच शब्द आपको दिए गए साथियों, इन पांचों शब्दों को आपको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना है। देखो किस प्रकार से अरेंज करेंगे। नींव, सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? नींव। नींव के बाद क्या होगा? नींव के बाद आप क्या करेंगे? दीवार खड़ी करेंगे। बिल्कुल जी हाँ, दीवार खड़ी करेंगे। दीवार के बाद कमरा बनेगा। जी हाँ, कमरा बनेगा। कमरे के बाद क्या? छत। और छत के बाद क्या? सड़क। तो ये दिए गए शब्दों का एक प्रॉपर ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। होंठ, होंठ के बाद माथा, माथे के बाद है आँख, आँख के बाद है कान, और कान के बाद है नाक। देखो आपको इन पांचों शब्दों को एक प्रॉपर वे में अरेंज करना है साथियों। देखो कैसे करेंगे। होंठ है, माथा है, आंख है, कान है, नाक है। ये दिए गए पांचों शब्द क्या है? अपने शरीर के अंग हैं। अपने शरीर के अंग हैं तो आपको पता होगा भली बात ही आप कर सकते हैं। सबसे पहले होंठ आएंगे, फिर नाक आएगी, फिर क्या आएंगी? आंखें आएगी, फिर कान आएगा, फिर क्या आएगा? माथा आएगा। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? होंठ। होंठ के बाद आपका क्या आएगा? नाक। नाक के बाद क्या आएगा? आपकी आंखें। आंखों के बाद क्या आएगा? कान। और कान के बाद आएगा माथा। तो इन पांचों शब्दों का जो ऑर्डर रहेगा 1, 5, 3, 4, 2 रहेगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको प्रॉपर ऑर्डर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दिए गए शब्दों को अगर आपको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है तो किस प्रकार से आप साथियों कर पाएंगे या करेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं अपना ग्रुप्ड यानी समूहन। ये हो गया आपका प्रॉपर ऑर्डर। अब देखते हैं कि समूहन में क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। देखिएगा, आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपको दिया गया है 23, 29, 37। आपको ऐसा दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा उस सेट को चुनिए जो दिए गए सेट के समान है। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए समूह के समान है। और ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? 17, 21, 29, 17, 21, 29। बी ऑप्शन है अपना 13, 15, 23, 13, 15, 23। सी ऑप्शन है अपना 41, 47 और 53। डी ऑप्शन है अपना 31, 37, 49। ये चार ऑप्शन है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन से आपको चेक करना है कि अगर आपको ये वाला ग्रुप दिया हुआ है तो इस ग्रुप के समान कौन सा ग्रुप है जो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा होगा। देखो पहला देखो, तो पहले तो इसमें किसी ना किसी फॉर्मेट का आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा फॉर्मेट चल रहा है। यहाँ देखिए +6 चल रहा है
और इसके बाद देखिए 2 और 12 प्लस 6 और उसका दुगना, प्लस 6 उसका दुगना। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ तो प्लस 4 है, ये तो लगेगा नहीं। यहाँ देखिए प्लस 2 है, पहले उसका डबल हो रहा है, प्लस है, डबल तो हो रहा है, इसमें ट्रिपल हो रहा है। इसमें देखिए प्लस 6 और इसमें प्लस 6 और इसमें देखिए प्लस 6 और प्लस 2। तो देखिए साथियों प्लस 6 प्लस 12 किस में हो रहा है, प्लस 4 प्लस 8 नहीं होगा, प्लस 2 प्लस 8 नहीं होगा, प्लस 6 नहीं होगा, कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन। यानी कि इस दिए गए जो अपने को ग्रुप दिया गया है उस दिए गए ग्रुप के समान ही ऑप्शन में वो वाला रूल फॉलो होना चाहिए, तब जाके अपने आंसर सही माना जाएगा। लेकिन इसमें सही आंसर क्या आ रहा है अपना, डी वाला, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 8 48 64 क्या दिया गया आपको, 8 48 64। आपको सेलेक्ट करना है कौन सा है, 8 26 30 ए ऑप्शन है, 8 26 30 बी ऑप्शन है अपना, 11 21 13 सी ऑप्शन है, 16 64 और 31 और डी ऑप्शन है अपना, 12 24 और 36। देखो साथियों इसमें किसी ना किसी रूल्स का पता लगाना है, फिर इसमें देखना है अपने को। तो पहला वाला देखते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 2, 8 48 64 आपको दिया गया है, इट मीन्स 8 का मल्टीपल है 48 और 8 का ही मल्टीपल है 64। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे वाला नंबर सेकंड का मल्टीपल होना चाहिए और फर्स्ट नंबर थर्ड में भी मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 26 का मल्टीपल तो है नहीं, 11 भी नहीं है, 16 तो है लेकिन 31 का नहीं है। तो उसी प्रकार 12 24 का मल्टीपल है और 36 का भी मल्टीपल है। तो दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, दिए गए क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों डी वाला होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 137 क्या दिया गया है आपको, 137 इसको आपको फॉलो करना है, 3 7 11 बी ऑप्शन है अपना, 17 21 29 सी ऑप्शन है अपना, 29 37 29 37 47 और 13 17 29 13 17 और 29। चलिएगा साथियों इसमें पता लगाते हैं कि इसमें चल क्या रहा है, देखते हैं, इसको देख लेते हैं कौन सा होगा, इसमें कौन सा रूल लग रहा है। यहाँ से यहाँ गए प्लस 2, यहाँ से यहाँ गए प्लस 4, यानी इसका जस्ट डबल। तो यहाँ प्लस 4 तो हुआ, यहाँ भी प्लस 4 हुआ, तो ये वाला तो नहीं होगा। इसमें देखते हैं प्लस 4 और इसमें देखते हैं प्लस 8, बिल्कुल डबल हो रहा है। इसको भी देख लेते हैं एक बार, इसमें हो रहा है प्लस 8 और इसमें हो रहा है अपना प्लस 10, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखें प्लस 4 और इसमें देखें कितना हो रहा है अपना, 9 2 और 12, ये नहीं हो रहा, ये प्लस 4, ये 3 गुना है, जबकि अपने को तो 2 गुना देखना है। 2 गुना किस में है, केवल बी ऑप्शन में ही है। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला अपना सही आंसर हो जाएगा साथियों। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, थ्री 18 और 36 ये आपको दिया गया है, आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। ए ऑप्शन है अपना 2, 10, 16, बी ऑप्शन है अपना 12, 72, 96, सी ऑप्शन है अपना 4, 24, 48 और डी ऑप्शन है अपना 6, 42, 48। चलो पता लगाते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए, 3 से 18 पे जा रहे हैं मल्टीप्लाई 6 और इस 3 से ही 36 पे जा रहे हैं मल्टीप्लाई 12 इंटू 6 और 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई 5 तो चलेगा नहीं, मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए। मल्टीप्लाई 6 है लेकिन 12 से मल्टीप्लाई 8 है, मल्टीप्लाई 12 से 12 होना चाहिए था तो ये ग्रुप अपना सही होता, ये भी नहीं होगा। इसको देखिए मल्टीप्लाई 6 है लेकिन 4 से 48 इंटू 12, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन अपना क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, इंटू 6 इंटू 12 होना चाहिए। इसको देखिए इंटू 7 हो रहा है ये और यहाँ से इंटू 8 हो रहा है, ये तो होगा नहीं, तो सी ऑप्शन क्या होगा अपना बिल्कुल सही होगा। इस वाले का सही आंसर क्या होगा साथियों, इस वाले का जो सही आंसर होगा अपना सी आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्रुप में अपने को 3 से 18 पे गए तो मल्टीप्लाई 6 किया और 3 से 36 पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है अपना मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई आपने देखा 16, 8 है यानी इंटू 5 और 8 है, ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि इस वाले रूल की तरह ही अपने को ये वाले चेक करने पड़ेंगे, इसीलिए ए ऑप्शन को कंसिडर नहीं किया। बी ऑप्शन देखिए इंटू 6 और इंटू 8 है, इंटू 6 इंटू 12 लाना है, अगर यहाँ 96 की जगह अपना 144 होता तो ये सही होता। क्यों, क्योंकि 12 से जब मल्टीप्लाई करते तो क्या होता 144 आता, फिर सी ऑप्शन नहीं होता। क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर एक ही अपना सही आंसर होगा, सबसे पहली बात तो एक ही अपना सही आंसर होगा, एक ही क्वेश्चन में दो सही आंसर नहीं हो सकते, और ऐसा हो रहा है इट मीन्स वो क्वेश्चन गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, टेन पॉइंट फाइव 15 और है अपना 21.5। ये ग्रुप आपको दिया गया है और इस ग्रुप से मिलता जुलता आपको ग्रुप देखना है कि कौन सा हो सकता है। ए ऑप्शन है 31.5 और 37 और आगे है अपना 43.5। इसको देखिए बी वाले को, बी ऑप्शन है अपना 54.4, आगे है अपना 58 और नेक्स्ट है 62.4, सी ऑप्शन है अपना 62.2, 66.8 और 73.3। नेक्स्ट है अपना डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में है 81.3 और 85.8 और नेक्स्ट है अपना 92.0। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए समूह के समान है, दिए गए समूह के समान है, इस विकल्प को आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले समूह जो दिया गया है उसको देखो कि वो समूह में रूल कौन सा लग रहा है, फॉर्मेट कौन सा अपना चल रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले समूह को सॉल्व कीजिए, समूह क्या है अपना 10.5, 15 और 21.5।
चलो 10.5 से 15 कप मिलेगा आपका जब आप प्लस के 4.5 कर देंगे, प्लस के 4.5 करेंगे तो 15 मिलेगा, और 15 से 21.6 कप मिलेगा जब आप 6.5 ऐड कर देंगे, यानी अपना जो एडिशन है 4.5 और 6.5 का है। ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन आप देखिए, 31.5 में आप 37 कब आ सकता है, 31.5 से 37 कब आ सकता है जब आपका क्या हो रहा हो, देखो 5.5 बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है 5.5, जब आप इसमें 5.5 जोड़ देंगे तो 37 मिलेगा, लेकिन 5.5 अपने को ऐड नहीं करना, अपने को करना है 4.5, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। ए ऑप्शन तो वैसे ही अपना हट गया, बी ऑप्शन को चेक करिए, बी ऑप्शन है अपना 54.5 में कितना ऐड करें कि 58 आ जाए, तो 58 में से माइनस कर लीजिए, 0.6 है अपना, और यहाँ से है 3.6, कितना आ रहा है अपना 3.6, तो ये बी भी नहीं होगा। सी वाले को देखिए, सी वाला हो सकता है क्या, देखो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये भी आ रहा है। इसको देखिए, डी वाले को देखिए, डी वाला देखिए, 81.3 से आपको लाना है 85.8, क्या लाना है 85.8, तो इनके बीच में डिफरेंस देखिए, 8 में से 3 गए तो 5, 8 में से 3 गए तो 5 आ रहा है, 0.5 में से बन जाएंगे 4, तो 4.5 का अपना डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट 85.8 से आप जा रहे हैं 92 पे, तो इसके अंदर 6.5 का आना चाहिए, तो 92 में से आप क्या करेंगे, 80.5 आप लेस करके देखेंगे तो कितना आ रहा है अपना 6.5 आ रहा है अपना। तो आपका जो इस वाले का जो क्वेश्चन का आंसर्स होगा वो क्या होगा साथियों, देख लो एक बार, इस वाले का जो आंसर्स होगा अपना, पहला ऑप्शन क्या है अपना 37 था दोस्तों। यहां देखिए मिस्टेक हुई है, जो अपना ए ऑप्शन था, बी डी तो हो ही नहीं सकता, ए ऑप्शन था, उसको एक बार और ध्यान से देख लो, 37 में से आप 31.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32.5, यहां लिखने में गलती हुई है, 32.5 है साथियों, क्या है 32.5, तभी आंसर नहीं आ रहा अपना। सोचे आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपको वैल्यू गलत लिखी गई है, वैल्यू यहां पर आप सही कर लीजिए 2 था, तो इसमें क्या हो जाएगा अपना आंसर यही हो जाएगा 4.5 है, और 37 में आप 6.5 ऐड करेंगे तो 43.5 अपना आंसर हो जाएगा, तो इस वाले का सही आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। तो दोस्तों आज आपने, आज की क्लास में आपने सीखा है कि किस प्रकार से दिए गए शब्दों को आप एक प्रॉपर वे में अरेंज कर सकते हैं, और अगर आपका एक ग्रुप दिया हुआ है तो उस ग्रुप से रिलेटेड कौन सा फॉर्मेट या कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनको आप सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर क्लास आपको पसंद आई है साथियों तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फिर मैं आपसे एक बार लास्ट में और कहने जा रहा हूँ कि आप टेस्ट वन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेस्ट वन सब्सक्राइब कहाँ मिलेगा या कैसे मिलेगा टेस्ट वन सर? टेस्ट वन सब्सक्राइब करने के लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल प्ले स्टोर पर डीजे सर क्लासेज ऐप कोटा ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसको आपको आपको रजिस्टर्ड होना है, रजिस्टर्ड होने के बाद आपको स्टोर पे जाना है, स्टोर पर जाने के बाद आपको टेस्ट वन सब्सक्राइब, टेस्ट वन वहाँ आपको मिलेगा उसमें, और उसको आपको सब्सक्राइब करना है। टेस्ट वन सब्सक्राइब करने से आपका होगा क्या कि आपको हर एक पर्टिकुलर किसी भी कैटेगरीज में, चाहे वो आप एसएससी की तैयारी करें, रेलवे की तैयारी करें, या बैंक की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टेस्ट वन सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए अध्याय के साथ मिलने वाले हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।